आपके साथ अली मदर अनूम देखेंगे आज की हेडलाइन। सांप के काटने से महिला की मौत, रिश्वत खोर तहसीलदार के रीडर को 4 साल की कैद। और अब खबरें विस्तार से। उपचार न मिलने से एक महिला की मौत हो गई। विजयनगर निवासी विजेता नामक की एक महिला को सांप ने काट लिया था। परिजन उसे उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर से बार बार बोला गया कि महिला को सांप ने काटा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, परंतु ना तो स्टाफ ने ध्यान दिया और ना ही डॉक्टरों ने उपचार किया। जिला अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से हुई महिला की मौत के बाद मृतका के परिजनों ने स्थानीय अस्पताल में लापरवाही बरतने वालों की शिकायत दर्ज कराई है। जी 6 बजे काटा था सांप ने और हम लोगों ने 6:25 को यहाँ हॉस्पिटल में लाया और विक्टोरिया हॉस्पिटल में, और हम लोगों ने डायरेक्ट इमरजेंसी वार्ड पे लेके गया और डॉक्टर ने बोला वो ब्लेड ने काटा है बोला वो। उसका डॉक्टर का उसने भी यही बोला कि ब्लेड ने काटा हुआ है। और हम लोगों ने कितने बार बोला कि सांप ने डसा है, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आधा एक घंटा उसने वहीं पर रखा है इमरजेंसी वार्ड पर, लेकिन कुछ दवाई भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, ऐसे बैठा के रखा था। और बाद में एक डेढ़ घंटा बाद उसने उस इमरजेंसी वार्ड से नंबर एक वार्ड फीमेल वार्ड पे भेज दिया हम लोगों को, फीमेल वार्ड पे। और हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे भी नर्स ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, वो एंटीडोट भी नहीं दिया, दवाई भी कुछ भी नहीं बोला। जब सीरियस केस हुआ तब उन लोगों ने वो आके आता रहता वो दवाई देने लगाया, वो डीप सीप वो किया। और मैंने जाके कितने बार वो डॉक्टर को बोला, वो बोले 5 मिनट में आ रहा। बाद में वो आया लेकिन कुछ भी नहीं किया, आया अंदर बैठा और चले गए, कुछ भी नहीं किया। जबलपुर के गोहरपुर तहसीलदार के रिश्वतखोर रीडर को लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी नरेंद्र सिंह परमार को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह सजा रीडर द्वारा रिश्वत के रूप में 2000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ने पर सुनाई गई। न्यायालय ने रीडर पर 2500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। आपको बता दें कि रीडर नरेंद्र सिंह परमार द्वारा नामांकन आदेश तैयार करने के बदले में 2000 रुपए की रिश्वत ली थी। मामला था, इसमें शिकायतकर्ता थे गौरी शंकर यादव और इनके द्वारा अपने स्वयं के नाम पर और अपनी पत्नी के नाम पर नर्मदा नगर जबलपुर में 2 प्लाट लिए गए थे, जिनके नामांतरण की कार्रवाई के लिए इन्होंने तहसीलदार गोहलपुर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें आदेश पारित करने के लिए तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है आरोपी को निर्देशित कर दिया गया था, लेकिन आरोपी आदेश तैयार नहीं कर रहा था और उसके लिए शिकायतकर्ता गौरी शंकर यादव से 2000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग कर रहा था।